चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से, मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम तब दीदी 4 साल की थी और हम साथ में स्कूल जाना शुरू किया। उसके बाद हम जब भी छुट्टी होती थी तब भागता था, मैं भी भागता था और दीदी भी भागती थी रिमोट के लिए कि कौन किसका चैनल लगेगा क्या होगा। तो हमारी काफ़ी लड़ाई होती थी, उसके चक्कर पे उसको निशान भी बहुत पड़ गए। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज कि मतलब मेरे सामने मतलब प्रज्ञा को मैं एज अ ब्राइट देख रही हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। मेरे को तो बहुत खुशी है, मेरे तो बहुत नजदीक आ गए, 1 किलोमीटर दूर रह गई बहन। कहाँ 60 किलोमीटर थी, अब 1 किलोमीटर दूर ही रह गई। रोज मोमोज खाने जाएंगे, चाप भी खाएंगे, बड़े पार्टी करेंगे। बचपन से इतनी शरारते की है हमने, हर मेले में साथ गए हम और इतनी शरारते करते थे ना, मतलब बहुत सारी खुशियों के साथ। हमारी बेटी हमारे लिए बहुत लकी रही है हमेशा से ही। और जब शादी इसके था, मेहंदी के फंक्शन था, तभी इसके पापा की रिटायरमेंट हुई। अपने पापा के लिए तो बहुत ही लकी रही है। तो मेरे लिए ये बड़ी भारी लकी रही। और हमारे जो होने वाले दामाद हैं, जैसे उनका पांव हमारे घर में पड़ा तो वो भी हमारे लिए लकी हैं। वो तो इन दोनों की इससे हम माँ बाप बहुत खुश हैं और बड़े प्रसन्न हैं। और हमारे बच्चे भी दोनों काफ़ी, मेरे को देखने में लग रहा है कि ये काफ़ी प्रसन्न है।
ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮਿਲਦੇ ਤੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾ ਹਾਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਕੂਨ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਟ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤਨਹਾਈ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਹਾਣੀਆਂ ਵੇ ਦਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਨਾ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਪਨਾ ਲੱਗਦਾ ਅਜਨਬੀ ਸੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੋ हमें याद है कि फर्स्ट टाइम हम राजमहल में मिले थे तब हमारा ऐसा नॉर्मल डिस्कशन हुआ था ज़्यादा हमने एक दूसरे को मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं था कि हमारी हमने शादी हम यहाँ इस पॉइंट तक आ जाएंगे फिर हमारी धीरे 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 एक हमने कुछ दोनों ने टाइम मांगा एक दूसरे को समझने के लिए ताकि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बैठे और फिर हम आगे बढ़े तो फिर उसके बाद हमें लगा कि हमें फिर से एक बार मिलना चाहिए फिर हम फिर से एक बार मिले मतलब जितना हमने बात किया जितना फिर हमें लगा कि नहीं ठीक है एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे हम फिर हमारा फाइनल हुआ कि नहीं हमें शादी करनी है और आगे बढ़ना है दिसंबर में फिक्स हुई फिर हमने वेट किया दिसंबर तक हमने वेट किया तब तक हमने शॉपिंग वगैरह करी फिर हमने दिसंबर तक वेट किया और फाइनली वी आर मैरिड इट वॉज समथिंग नर्वस एंड समथिंग एक्साइटिंग बोथ It was not the feeling which can be expressed in words. It was something very different, which cannot be explained. जब विदाई हुई तब obviously ऐसे बनाया गया है बस मतलब कल ऐसा बनाया गया कि आपको अपने parents को छोड़ के आना पड़ता है मतलब आपको जाना पड़ेगा कहीं और वो तो होता ही है एक साइड मतलब होता है पर प्रतीक साथ में थे तो मतलब इतना दुख नहीं हुआ कि प्रतीक साथ में है तो ठीक है आगे जाके सब सही होगा वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर मेकिंग आवर पेयर एंड वी आर हैप्पी विद आवर मैरिज
पता रहानिया वे दिल जानिया तू नेड़े